एंडोक्राइनोलॉजी और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है, क्या वजह है कि होम्योपैथिक रेमेडीज एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में बेहतर रिजल्ट्स दे सकती हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स का मायाज्म थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से क्या रिलेशन है, किन बातों का नॉलेज बेहद ज़रूरी है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए, ये सब कुछ हम जानेंगे इस ऑडियो बुक लेक्चर में। हम ये भी जानेंगे कि कौन सी है वो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स जो प्रैक्टिशनर्स अक्सर अपने क्लिनिक में फेस करते हैं, उनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए कैसी अप्रोच हम रखें, और ये भी कि कौन सी है वो रेमेडीज जो इन केसेस में एक्सेलेंट रिजल्ट्स देती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स की फिलॉसफी बुक से, चैप्टर 32, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन फील्ड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। इस चैप्टर की शुरुआत में ही डॉक्टर रॉबर्ट्स ने एंडोक्राइनोलॉजी और होम्योपैथी के कोरिलेशन को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट से देखें तो वो इस थ्योरी को स्वीकारते हैं कि ज्यादातर ह्यूमन बीमारियों की वजह है ग्लैंडुलर सिस्टम में गड़बड़ी होना। ज्यादातर ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो बॉडी का अंडर डेवलपमेंट हो या ओवर डेवलपमेंट हो, बच्चों का ठीक तरह से ग्रोथ ना कर पाना, एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट ना कर पाना, और इवन एडल्ट्स का भी फैमिली या सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब काफ़ी हद तक एंडोक्राइनल इम्बैलेंस से संबंधित है। अक्सर हम होम्योपैथ्स, चाहे हम स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या इवन प्रैक्टिशनर्स हों, डॉक्टर हैनमन की फिलॉसफी का, उनकी थियोरीज का, स्पेशली मायाज्म थियोरी का मजाक उड़ाते पाए जाते हैं। लेकिन अपने आसपास हो रही रिसर्चेस पे नज़र दौड़ाएं और आप पाएंगे कि मॉडर्न साइंस की हर नई खोज डॉक्टर हैनमन की फिलॉसफी को और भी ज़्यादा कंफर्म कर रही है। अब एंडोक्राइनोलॉजी की इस खोज को ही देख लें कि ये डॉक्टर हैनमन की टीचिंग से कितनी मेल खाती है। डॉक्टर हैनमन ने बताया कि ह्यूमन बीइंग माइंड, बॉडी और स्पिरिट की एक यूनिट है, और जब तक हमारा वाइटल प्रिंसिपल, हमारा स्पिरिट लाइक फोर्स इक्विलिब्रियम में है, ये आपस में जुड़े हुए हैं और बिना किसी बाधा के फ्रीली काम करते हैं। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम बिगड़ता है और माइंड, बॉडी या स्पिरिट में से किसी भी एक में डिसफंक्शनिंग होने लगती है, तो बाकियों पर भी एज अ होल इसका कम या ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसकी तुलना एंडोक्राइन सिस्टम से करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड के थ्रू हमारे पूरे सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट छोड़ती हैं, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं और इनमें वो वाइटल पावर होती है कि ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी हेल्थ पे एज अ होल असर डालते हैं। और इस बात पर ध्यान दें, इन हार्मोन्स का सीक्रेशन हमारे शरीर में इतनी कम मात्रा में होता है कि हम इसे हमारी होम्योपैथिक पोटेंसी से कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये सीक्रेशंस कैसे हमारे पूरे शरीर पर होलिस्टिक प्रभाव डालते हैं, हालांकि ये बेहद माइन्यूट क्वांटिटी में या यूं कहें इन्फिनिटिसिमल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, तो हम आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारी पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक रेमेडी कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है एंडोक्राइनल डिसफंक्शंस को बैलेंस करने के लिए। चैप्टर के अगले भाग में डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी में, और एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित बीमारियों जैसे डायबिटीज, PCOD एक्सेट्रा, इन्हें ठीक करने के लिए वे कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। यहाँ उन्होंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, डॉक्टर ऑगस्ट ए वर्नर, जो एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल के डॉक्टर हैं और जिनकी बुक का टाइटल है एंडोक्राइनोलॉजी। इस बुक में इन्होंने बताया है कि एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडीज में जो डिफिकल्टीज आती हैं उनके क्या कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे शरीर में एग्जैक्टली कितने हॉर्मोन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं,
ये जानकारी अभी तक पूरी पूरी नहीं मिल पाई है। दूसरा कारण है इन डक्टलेस ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं उनकी आपस में कैसी रिलेशनशिप है, एक सिक्रीशन का दूसरे सिक्रीशन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब चूंकि मॉडर्न साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स पहले एनिमल्स पर करता है, इसलिए तीसरा कारण ये बता रहे हैं कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें ह्यूमंस पे अप्लाई करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। चौथा कारण ये बता रहे हैं कि हार्मोनल प्रिपरेशंस जो यूज़ किए जाते हैं उनकी पोटेंसीज में वेरिएशंस होते हैं। और पांचवा कारण ये बता रहे हैं कि चूंकि हर पेशेंट की डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है, उसकी ग्लैंड्स के सिक्रेशन की मात्रा अलग अलग होती है और उन सिक्रेशंस के लिए उसके सेल्स की रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है, तो हर इंडिविजुअल को कितनी डोजेज की रिक्वायरमेंट है ये पता करना मुश्किल होता है। तो कैसे ट्रीट करें इन पेशेंट्स को? डॉक्टर वर्नर बता रहे हैं कि इसके लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट्स का नॉलेज होना, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक ये कैसे काम करते हैं, इनके फंक्शंस का नॉलेज होना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस की सही अंडरस्टैंडिंग होना, इस बात का ज्ञान होना कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना, उसका बैलेंस में होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी सारी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फूड का एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, कार्डियक एक्शन, ये सब डिपेंड करते हैं। और सबसे ज़रूरी इस बात का ज्ञान होना कि इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन करने में सबसे अहम भूमिका होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इन माइन्यूट सिक्रेशंस की। जब हम इस नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझ पाएंगे तभी तो हम एबनॉर्मल कंडीशंस को सक्सेसफुली ट्रीट कर पाएंगे। डॉक्टर वर्नर आगे और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के बाद भी सिर्फ हार्मोनल प्रिपरेशंस दे देने से हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें ये भी स्टडी करना होगा कि पेशेंट के माइंड में क्या इम्बेलेंस चल रहा है और उसका डिसीज से क्या रिलेशन है। अपनी बुक में उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह इमोशंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर प्रभाव डालते हैं। आगे डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि क्यों एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कारगर होती हैं। वो कहते हैं कि सिकनेस और हेल्थ पर डॉक्टर वर्नर के कमेंट्स डॉक्टर हैनिमन के ऑब्जर्वेशन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। डॉक्टर वर्नर ने बताया कि ग्लैंड्स के डिसफंक्शन से होने वाली डिसीज रेंज कितनी फैली हुई है, एक्ने से लेकर हीमोफीलिया तक, एनीमिया से लेकर बच्चों और बड़ों में डीफॉर्म्ड और डिस्टॉर्टेड स्केलेटल फॉर्मेशन तक। इससे पता चलता है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स के पीछे ग्लैंडुलर डिसफंक्शंस का हाथ होता है और इसीलिए इन्हें करेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडीज काम आएंगी। चैप्टर के अगले भाग में डॉक्टर रॉबर्ट्स कंपेयर करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी को मायाजम थ्योरी से। हम जानते हैं कि शरीर के अंडर डेवलपमेंट और ओवर डेवलपमेंट के केसेस को डॉक्टर हैनिमन ने मायाजम्स का मैनिफेस्टेशन कहा है, जैसे ओबेसिटी, गोनैड्स का इनहिबिशन या प्रीकॉशियस डेवलपमेंट, पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसफंक्शन के कारण स्केलेटल फॉर्मेशन ठीक से ना हो पाना एक्सेट्रा। मायाजम थ्योरी को पुख्ता करने के लिए यहाँ हमें एक और सबूत मिल जाता है कि ग्लैंड्स के डिसफंक्शन के ज़्यादातर केसेस में हमें फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है, यानी ये प्रॉब्लम्स पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी फैमिलीज में चली आ रही हैं, या फिर इन पेशेंट्स की पास्ट हिस्ट्री में वेनरल इन्फेक्शन का डेफिनेट एविडेंस मिलता है जिसे मॉडर्न मेडिसिन द्वारा ट्रीट भी किया गया था, यानी एक सप्रेस्ड वेनरल डिसीज की हिस्ट्री। अब एक हैनिमेनियन होम्योपैथ ये जानता है कि वेनरल डिसीजेस को ट्रीटमेंट द्वारा सप्रेस या डिमिनिश भी कर दिया गया हो या उसके लोकल स्किन इरप्शन को सर्जरी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो तो भी पेशेंट के अंदर मायाजम प्रोग्रेस करता रहता है और इवन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता रहता है।
क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट देता है और सब्जेक्टिव सिम्टम्स का उसके प्रिस्क्रिप्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता। आगे डॉक्टर रॉबर्ट्स बता रहे हैं कि कैसे क्योर करें एंडोक्राइनल डिसीजेस को, क्या अप्रोच रखें। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि डिसीज की पैथोलॉजी और डायग्नोसिस से रिलेटेड जो लेटेस्ट डिस्कशन चल रहे हैं उनके नॉलेज के लिए तो हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बुक, जैसे डॉक्टर वर्नर की बुक, इनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इन्हें ट्रीट करने के लिए, इन्हें क्योर करने के लिए हमें अपनी फिलॉसफी और मटीरिया मेडिका की तरफ वापस आना पड़ेगा। हमारी एनरिच्ड मटीरिया मेडिका के बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें मटीरिया मेडिका का इंडेक्स यानी रेपर्टरीज की भी मदद लेनी होगी। अब क्यूरेटिव मेडिसिन ढूंढने के लिए हम एक इंडिविजुअल पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम की तरफ फोकस करेंगे, यानी यह हमारा ध्यान किसी एक अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ नहीं होगा। हम देखेंगे कि उस पेशेंट में पिक्यूलियर क्या है, उसके मेंटल सिम्टम्स में क्या पिक्यूलियर है, उसके फिजिकल सिम्टम्स में क्या पिक्यूलियर है, और फिर देखेंगे कि इन पिक्यूलियर सिम्टम्स की टोटैलिटी किस रेमेडी से सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है, ताकि सिमिलर से सिमिलर को क्योर किया जा सके। इस तरह एक रीजनेबल अश्योरेंस के साथ हम बाकी बीमारियों की तरह एंडोक्राइनल डिसीजेस के लिए भी होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। आगे डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि इस तरह रेमेडी सिलेक्शन करने के बाद हम कैसे अनुमान लगाएं कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसे ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल ने कुछ इस तरह से समराइज किया है। हम ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स सिर्फ लिविंग सेल्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम डेड सेल्स को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन अचानक डेड नहीं होता है। सबसे पहले उसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं। अगर ये चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं हुए हैं, तब हमारे सिमिलिमम देकर हम उसे हेल्दी कंडीशन में वापस लेकर आ सकते हैं। यानी रिवर्सिबल चेंजेस में ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा होगा और इरिवर्सिबल चेंजेस में बुरा। लेकिन सिमिलिमम ढूंढने के लिए हमें हमारी रेमेडीज का गहरा ज्ञान रखना पड़ेगा। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि आज से 50 साल पहले हम जो मटीरिया मेडिका इस्तेमाल कर रहे थे, हम आज भी वही मटीरिया मेडिका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें फ्रेश प्रूविंग की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आज के समय में लोगों में जो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उन पर हमारी रेमेडीज किस तरह असर करेंगी। अगर हम समय के साथ अपनी मटीरिया मेडिका को अपग्रेड नहीं करेंगे तो होम्योपैथिक आर्ट स्टैटिक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। साथ ही हमें ज़रूरत है हमारी रेपर्टरीज को स्किलफुली यूज़ करने की, क्योंकि जिन्हें हम हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं वो अब एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के नाम से प्रचलित हो रहे हैं। और जैसा कि हमने जाना कि इन सिम्टम्स की रेंज इतनी फैली हुई है, तो किस सिम्टम का रूब्रिक लें, किसे ओमिट करें, इसका जजमेंट करने के लिए रेपर्टरी का गहरा ज्ञान होना ज़रूरी है। इस तरह हमने जाना कि क्योर करने के लिए हमें ज़रूरत है एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के अप टू डेट नॉलेज की, हेल्थ डिसीज और क्योर की, होम्योपैथिक फिलॉसफी के नॉलेज की, मटीरिया मेडिका को अपडेट कर रेमेडीज के नॉलेज की, और रेपर्टरीज को स्किलफुली यूज़ कैसे करें इसके नॉलेज की। अब आता है चैप्टर का वो भाग जहां डॉक्टर रॉबर्ट्स एग्जांपल देते हैं मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के, जो अक्सर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और वो बताते हैं कि कैसी होनी चाहिए हमारी क्लिनिकल अप्रोच उन्हें ठीक करने के लिए। पहली डिसऑर्डर है डायबिटीज मेलाइटिस। ग्लैंडुलर इम्बैलेंस की मोस्ट फ्रीक्वेंट कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन थेरेपी इसका सबसे प्रचलित इलाज है, लेकिन ये ट्रीटमेंट देते समय क्या फिजिशियन एक मिनट रुककर ये सोचता है कि क्या ये ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है या सिर्फ पैलिएटिव? क्योंकि रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स तो यही दर्शाते हैं कि यदि भारी मात्रा में इंसुलिन थेरेपी लंबे समय तक लगातार दी जाए तो शुरुआत में शुगर लेवल ज़रूर डिक्रीज होता है, लेकिन वो जल्दी ही वापस बढ़ने लगता है। और जब तक इंसुलिन थेरेपी चलती रहती है
उसका लेवल इंक्रीज्ड ही रहता है। एक रीसेंट केस में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना देखने को मिली। डायबिटीज मेलिटस का एक पेशेंट जो इंसुलिन थेरेपी ले रहा था, उसे कहा गया कि उसे कुछ दिन इंसुलिन के बिना ही रहना होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इंसुलिन नहीं लेने के दौरान उसका शुगर आउटपुट कम पाया गया। इसे देखते हुए जब वापस उसकी इंसुलिन थेरेपी शुरू की गई तो उसे काफी कम डोजेज दिया गया, जिससे ये देखा गया कि मैसिव डोजेज देने की तुलना में माइन्यूट डोज देने पर शुगर लेवल ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल रहा। तो अब हम ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक अप्रोच कैसे लगाएं? हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार इंसुलिन थेरेपी एस्टेब्लिश हो जाए तो पेशेंट की बॉडी उसी पर डिपेंड हो जाती है। ऐसे में उसे वापस नॉर्मल बैलेंस में लाने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा कि हम होम्योपैथिक रेमेडीज से ट्रीटमेंट की शुरुआत करें और इंसुलिन थेरेपी को लास्ट ऑप्शन में रखें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बॉडी डिपेंडेंट नहीं होती है। अब हम अपनी रेपर्ट्री से शुगर इन यूरिन के लिए सुटेबल रेमेडी ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि उनमें से ज़्यादातर रेमेडीज डीप एक्टिंग भी हैं और इमोशनल स्टेट से भी क्लोजली रिलेटेड हैं। डायबिटिक पेशेंट यूजुअली काफ़ी क्लियर सब्जेक्टिव सिम्टम्स देते हैं जो सिमिलिमम को साफ साफ इंडिकेट करते हैं। हो सकता है वो इमोशनल शॉक की कोई पास्ट हिस्ट्री दें जिसके बाद से उसे तकलीफ शुरू हुई हो और जो रेमेडी को पॉइंट आउट कर दे। ये कोई ऐसी रेमेडी भी हो सकती है जो शुगर बैलेंस के लिए पहले से प्रूव्ड ना हो, लेकिन यदि उसे लेने के बाद पेशेंट इम्प्रूव होता है तो हम इस रेमेडी को शुगर इम्बैलेंस के क्यूरेटिव रेमेडीज की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल प्रूविंग। यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट्स ने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि यदि हमारी रेमेडी देने के बाद पेशेंट का शुगर लेवल तो जैसे का तैसा ही है, लेकिन पेशेंट की जनरल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, तो हम सेफली इस रेमेडी के एक्शन पे विश्वास कर सकते हैं। जब तक ये पेशेंट का जनरल इम्प्रूवमेंट करती जा रही है, तब तक हमें किसी और रेमेडी के बारे में नहीं सोचना है और शुगर आउटपुट को लेकर पैनिक नहीं होना है। दूसरी डिसऑर्डर है पेप्टिक अल्सर। रीसेंट रिसर्च बताती हैं कि पेप्टिक अल्सर में पैनक्रियाज का भी इन्फ्लुएंस होता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि यदि हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज प्रॉपर डाइट के साथ दी जाए तो ये पेप्टिक अल्सर के लिए इतनी बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं जितनी शायद ही किसी और सर्जिकल कंडीशन के लिए देती हो। ये कंडीशन भी काफ़ी सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स शो करती है जिसे सिमिलिमम तक पहुँचा जा सकता है। डॉक्टर कैंट ने इन रेमेडीज की लिस्ट भी दी है और उस लिस्ट में से भी लीडिंग रेमेडीज हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज ही हैं, जैसे कैलियम ग्रुप, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तीसरी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है वो है मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स। यहाँ भी ढेर सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स मिलते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स की ये महिलाएं अपने सब्जेक्टिव सिम्टम्स देते हुए अक्सर इतनी बातूनी हो जाती हैं कि हम लेकेसिस जैसी रेमेडी को अनदेखा नहीं कर पाते। लेकेसिस मेनोपॉजल डिसऑर्डर की एक एक्सीलेंट लीडिंग रेमेडी है, लेकिन हमारे पास इस कंडीशन के लिए और भी बहुत सी अच्छी रेमेडीज हैं। चौथी कंडीशन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, बेहोशी, वजन घटना और डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस होना। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि सही समय रहते इस कंडीशन को यदि ट्रीट कर दिया जाए तो किसी सर्जरी या एंडोक्राइन प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बहुत सी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज और नोसोर्ट्स इस कंडीशन में बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, यदि चलने पर अचानक नौजिया हो रहा हो और फ्यू माउथफुल्स खाने पर ही अचानक नींद आ रही हो, ओवरपावरिंग स्लीप आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए नेट्रम्यूर, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, सल्फर और वेरिट्रम एल्बम जैसी रेमेडीज हो सकती हैं। पांचवी और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग एंडोक्राइनल कंडीशंस में से है एनलार्ज्ड थायमस ग्लैंड। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायमस ग्लैंड पैथोलॉजिकली एनलार्ज हो जाती है, साथ ही दूसरे लिम्फोइड टिश्यू में भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसमें बॉडी का इक्विलिब्रियम इतना अनस्टेबल हो जाता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या माइनर ऑपरेशन से ही रेस्पिरेटरी या कार्डियक फेलियर हो जाता है जो डेथ का कारण बनते हैं।
डॉक्टर वर्नर कहते हैं कि इस कंडीशन में सिर्फ थाइमस एनलार्ज होने के कारण सडन डेथ नहीं होती, बल्कि यहाँ एक और प्रक्रिया साथ साथ चल रही होती है, और वो है वेगस नर्व का हार्ट को ठीक तरह से संचालित न कर पाना, जिस वजह से साइनोसिस और सफोकेटिव अटैक्स जैसे सिम्टम्स आते हैं। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि यहाँ भी एक ऑर्गन के एनलार्जमेंट के लिए रेमेडी नहीं चाहिए, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए जो शरीर के इक्विलिब्रियम को वापस ला सके। छठवीं और बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड बच्चे। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स अक्सर ऐसे बच्चों के केसेस फेस करते हैं जो दिमाग और शरीर से अंडर डेवलप्ड हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स बड़े कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम अपनी रेमेडीज़ के थ्रू रिमार्केबली बढ़िया रिजल्ट्स दे सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इन केसेस के लिए बेरियम सॉल्ट्स यानी बराइटा ग्रुप की रेमेडीज़ हमेशा उतना सफिशिएंट वर्क नहीं करती हैं जैसा कि आम तौर पर होम्योपैथ्स द्वारा समझा जाता है, बल्कि ऐसे केसेस में कैल्केरिया ग्रुप, साइलीशिया और सल्फर ज़्यादा क्लियरली इंडिकेटेड होती हैं। साथ ही कैलियम ग्रुप और नेट्रम ग्रुप भी आश्चर्यजनक सक्सेसफुल रिजल्ट देते हैं। इन केसेस में जब भी आप एक करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढ लेते हैं, तब आप देखते हैं कि कैसे ये बच्चे जो अंडर डेवलप्ड थे, डल थे, चीज़ों को सीखने में असमर्थ थे, अब अमेजिंगली नॉर्मल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश केसेस में ऐसे बच्चे रिटायर्ड होने के साथ साथ डिसाइडफुल यानी विद्रोही प्रवृत्ति के मिसलीडिंग चीटिंग करने वाले भी होते हैं। ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम और ब्यूफो जैसी रेमेडीज इंडिकेट होती हैं, और यदि इनमें साथ में कन्वर्जन के सिम्टम्स भी हैं तो ये रेमेडीज और भी ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेटेड होती हैं। और यहाँ ख़त्म होता है इस चैप्टर का पार्ट वन। तो देखा आपने, फिलॉसफी में केवल थियोरी नहीं बल्कि सक्सेसफुल क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करें, इसका ज्ञान भी बिखरा पड़ा है। इस चैप्टर का अगला भाग भी इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे ढेर सारी उन बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जो हम एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। अब तक के चैप्टर के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का कौन सा भाग आपको सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, इसे भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। उम्मीद है ये चैप्टर आपको ठीक से समझ आया होगा और आप अच्छी तरह से अपने नोट्स बना पाए होंगे। चैप्टर के अगले भाग में मिलते हैं जल्द ही।